Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माचल लेसन। मैं अभिषेक सिंह, माचल लेसन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑफर लेटर के बारे में। दोस्तों, ऑफर लेटर को लेकर काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन होती है, इसलिए ऑफर लेटर की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि जो भी कन्फ्यूजन आपके मन में है उसको दूर किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑफर लेटर होता क्या है। ऑफर लेटर एक डॉक्यूमेंट कंफर्मेशन है। जब आप कहीं किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू आप वहाँ पे कंडक्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लेते हैं, तो आपको एक डॉक्यूमेंट प्रूफ दिया जाता है कंफर्मेशन कि आप यहाँ पे आपने जो इंटरव्यू है सक्सेसफुल कंडक्ट कर लिया है और ये आपका ऑफर है जो कंपनी आपको ऑफर कर रही है इस जॉब के लिए। तो एक कंफर्मेशन प्रूफ होता है। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट प्रूफ है दैट वन शुड हैव आफ्टर अ सक्सेसफुल इंटरव्यू कंप्लीशन। इंटरव्यू कंप्लीशन के बाद एक प्रूफ आपको मिल जाता है। एक ये डॉक्यूमेंट प्रूफ हो, एक लीगली डॉक्यूमेंट प्रूफ हो जाता है कि आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया और आपने सक्सेसफुल कंडक्ट कर लिया, तो आपको एक प्रूफ मिल गया कि हाँ, आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया है और ये जॉब आपको ऑफर की जा रही है। मान लो कल को कंपनी मना कर रही है कि आपको हमने ये जॉब नहीं दे सकते हैं, तो आप लीगली जा सकते हैं उस ऑफर लेटर के बिहाफ पर कि आपने ऑफर लेटर इशू किया था, तो मैं लीगली उस पर आप केस कर सकते हैं। और कंपनी भी, अगर आप उस ऑफर लेटर को डिस्कार्ड कर देते हैं, आप नहीं ज्वाइन करते हैं, तो कंपनी भी आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है, क्योंकि एक लीगली डॉक्यूमेंट है ये ऑफर लेटर। दिस डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ सैलरी ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ एक सैलरी एनेक्सर भी होता है। ठीक है दोस्तों, जो ऑफर लेटर के साथ होता है, बहुत सी कंपनियां हैं जो ऑफर लेटर के साथ सैलरी एनेक्सर देती नहीं है, केवल एक CTC लिख कर दे देती हैं। तो आपको सैलरी एनेक्सर भी मांगना चाहिए, जिसमें कंप्लीट बायोफिकेशन होता है कि आपकी सैलरी है क्या, उसका हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ऑफर लेटर शुड कंटेन, ऑफर लेटर में क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी होनी चाहिए, यह आपको चेक करना है जब आपको ऑफर लेटर मिल रहा है। कंपनसेशन डिटेल से मेरा मतलब यह है कि आपकी सैलरी उसमें क्या क्या मेंशन है, सैलरी एनेक्सर लगा है कि नहीं है। अगर नहीं लगा है तो आप HR से मांग सकते हैं। डेजिग्नेशन उसमें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए कि आपको कौन सी डेजिग्नेशन दी जा रही है, वो आपको चेक करना है। उसके बाद रिपोर्टिंग मैनेजर, आपको किस मैनेजर को रिपोर्ट करना है, वो आपका उसमें क्लियर मेंशन होना चाहिए। किस लोकेशन में आपकी जॉब लगी है, वो क्लियर मेंशन होना चाहिए। और साथ ही साथ सैलरी एनेक्सर उसमें लगा होना चाहिए साथ। अगर सैलरी एनेक्सर नहीं है तो आप HR से मांग के आप सैलरी एनेक्सर देख सकते हैं। दोस्तों, सैलरी एनेक्सर होता क्या है। सैलरी एनेक्सर बेसिक एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको हेल्प करता है कि आपकी सैलरी का वेरिफिकेशन क्या है, आपकी CTC क्या है, आपकी ग्रोस क्या है, आपका टेक होम क्या है जो आप घर लेकर जाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन होती है। कुछ बहुत सी कंपनियां ये हैं कि ग्रॉस में डील करती हैं, और आजकल ज़्यादातर कंपनियां CTC में डील करने लगी हैं, तो लोग कन्फ्यूजन होता है कि वो ग्रॉस में, अगर ग्रॉस डील वाली डीलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं और वो CTC वाली कंपनी में उन्होंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, और वहाँ पर कई बार मिसकम्युनिकेशन के दौरान वो जो CTC बोलते हैं वो ग्रॉस समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर बाद में ये कन्फ्यूजन होती है कि CTC कुछ अलग उन्होंने बोली है, आप उसे ग्रॉस समझ के ले लेते हैं। तो यही दिक्कत होती है। इसलिए जब भी आप ऑफर लेटर ले रहे हैं तो सैलरी एनेक्सर उसके साथ जरूर मांगें, क्योंकि CTC जो होता है, CTC में जो कंपनी की डिडक्शंस होती हैं, कंपनी के जो पार्ट्स के डिडक्शन होते हैं, वो भी उसमें इंक्लूड होते हैं। ग्रोस में क्या होता है कि जो आम एम्प्लॉई का जो पार्ट्स है, जो भी डिडक्शन होगा वो इंक्लूड होता है। उसके बाद आपको टेक होम मिलती है। टेक होम वो होता है दोस्तों, जब सारी डिडक्शन कटने के बाद, एम्प्लॉयर पार्ट डिडक्शन करने के बाद जो आपको मिलती है, वो टेक होम जो आप घर लेके जाते हैं, जो आपको हाथ में मिलना है डिडक्शन होने के बाद, उसे टेक होम बोलते हैं। तो आप अगर किसी कंपनी में अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप टेक होम मांगे वहां पर, कि मेरे को टेक होम 26-25 जो भी टेक होम आपको हाथ में मिलनी है, डिडक्शन आपको जो करना है आप करिए, मेरे को टेक होम चाहिए। तो ये सबसे अच्छा सिंपल वो है कि कोई भी कंपनी है, ग्रोस में है, CTC में, किसी में डील करती है, आप वहां पर टेक होम डिमांड कीजिए, टेक होम मांगिए, आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको टेक होम 26,000 चाहिए, 26,000 वो देंगे। उसके बाद जो भी डिडक्शन करना है वो कंपनी अपना देखेगी, वो आपको ऑफर कर सकती है कि नहीं कर सकती है वो कंपनी देखेगी। तो हमेशा आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, इंटरव्यू के टाइम में आप टेक होम में डील कीजिए, टेक होम मांगिए, CTC ग्रोस में आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है फ्रेंड्स, और सैलरी एनेक्सर भेजना कभी मत भूलिए। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू सबमिट ऑन ज्वाइनिंग। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपको अगर ऑफर लेटर मिल रहा है तो उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मांगनी है कि किस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। उसमें मेनली डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, आपको जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो होंगे वो सारे लगेंगे, एक्सपीरियंस के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, किस कंपनी का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लगेंगे।
उसके बाद आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन का जो है उसका रिलीविंग लेटर भी लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। रिलीविंग लेटर, सैलरी स्लिप, तो ये सारी कंपनियों को मांग सकते हैं सैलरी स्लिप। रिलीविंग लेटर आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर कंपनियां मांगती हैं, अपॉइंटमेंट लेटर सारी ऑर्गेनाइजेशन का मांग सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत सी कंपनियां हैं जो आपका, मान लीजिए आपने मेडिकल कोई टेस्ट कराया है, मेडिकल रिपोर्ट भी मांगते हैं, तो मेडिकल रिपोर्ट भी आप एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको देना पड़ेगा, तो आपको पहले से टेस्ट करवा के रखना पड़ेगा। इसलिए चेकलिस्ट आपको लेना जरूरी है कि क्या क्या चेकलिस्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग देनी है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।